एक रहस्यमय जगह के बारे में जो कि पड़ती है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन के छतरपुर जिले में। इसका नाम है भीमकुंड। भीमकुंड का उल्लेख द्वापर युग से मिलता है। द्वापर युग के पुराणों में, द्वापर युग की कहानियों में इसका उल्लेख मिलता है। और इसका दूसरा नाम नारद कुंड भी है और इसे नीलमणि कुंड के नाम से भी जाना जाता है। और इस कुंड के बारे में चमत्कारिक बात यह है, रहस्यमय बात यह है कि यह कुंड में पानी, इस कुंड में पानी चढ़ता उतरता रहता है, अर्थात अचानक से पानी बढ़ जाता है और अचानक से पानी घट जाता है। और दूसरी बात यह है कि यह घटना पानी बढ़ने की और चढ़ने की और उतरने की निश्चित समय में ही होती है। यह होती है पूर्णिमा और अमावस्या की रात में यह घटना होती है। और दूसरी बात यह है कि इस कुंड की गहराई आज तक कोई नाप नहीं पाया है। बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, बड़े बड़े गोताखोर आए, बड़े बड़े वैज्ञानिकों की टीम आई, लेकिन कोई भी इस कुंड की गहराई नाप नहीं पाया। सब लोग असफल रहे इस कुंड की गहराई नापने। आश्चर्य की बात यह है कि जो गोताखोर समुद्र में डुबकियां लगाने से नहीं डरते, समुद्र की तलहटी में भी उतर के वहां से मोती उठा लाते हैं, ऐसे गोताखोर भी इस कुंड की गहराई को नहीं पा सके, इस कुंड की तलहटी को नहीं पा सके अपने अथक प्रयास करने के बाद भी। और फिर वे निराश होकर लौट आए क्योंकि उन्हें डर था कि शायद नीचे से, इस कुंड के नीचे से कोई नदी बहती हो जो कि उन्हें तेज बहाव के कारण बहा ले जाएगी उन्हें अपने धार में, और वो फिर दोबारा कभी वापस नहीं आ पाएंगे। इस डर से वो लौट आए क्योंकि वो जितना नीचे उतरते जाते उतना ही पानी गहरा होता जाता, जितना नीचे वे पानी में उतरते जाते उतना ही गहरा होता जाता। तो कोई भी आज तक इस कुंड की गहराई नाप नहीं पाया है। और तीसरी बात जो इस कुंड के बारे में है जो इसे और रहस्यमय और चमत्कारिक बनाती है वह यह है कि जो कुंड है इसका पानी नीला है और एकदम गहरा नीला पानी है इसका, ये जो कुंड है। तो ये इसके विषय में बहुत ही रोचक बात है और चमत्कारी बात है कि इसका पानी एकदम नीला है जो कि और साधारण पानी का कोई रंग नहीं होता है। जो पानी जहाँ पे होता है थोड़ा सा हल्का सा वाइटिश या फिर मटमैल कलर का होता है, लेकिन इस पानी का रंग एकदम गहरे नीले रंग का पानी है। और लोगों को यह भी समझ में आता है कि शायद यह पानी समुद्र से आता हो, लेकिन अब सच्चाई क्या है, सच्चाई से आज तक पर्दाफाश नहीं हो पाया है। तो इस कुंड के बारे में जो कहानी है वह द्वापर युग से जुड़ती है। कहा जाता है, ऐसी मान्यता है, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसी वहाँ की कहानियों में उल्लेख मिलता है कि जब द्वापर युग में पांचों पांडवों को वनवास हो गया तो पांडवों के साथ माता कुंती और द्रौपदी यहाँ भटकते भटकते आए। उस समय यहाँ पे घनघोर जंगल था। जंगल तो आज भी यहाँ पे बहुत घना जंगल है, बहुत घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता है यहाँ जाने के लिए, और बहुत पहाड़ियाँ आज भी हैं। तो उस समय द्वापर युग में तो और भी पहाड़ियाँ रही होंगी, और भी घने जंगल रहे होंगे। तो पांचों पांडव और द्रौपदी यहाँ पे ये लोग आए। तो जब यहाँ पे पहुँचे तो कहा जाता है कि द्रौपदी को प्यास लगी और यहाँ पे कोई पानी का स्रोत था नहीं था। यहाँ घनघोर जंगल था और घनघोर पहाड़ियाँ थी, पानी का कोई व्यवस्था नहीं थी। तो अब चूँकि पानी बरसाने का काम देवराज इंद्र का है, तो ऐसा माना जाता है कि देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन थे। और जब अर्जुन ने आवाहन किया देवराज इंद्र से, तो देवराज इंद्र उपस्थित तो हुए, लेकिन
देवराज इंद्र ने पानी बरसाने में असमर्थता जाहिर की अपने। देवराज इंद्र अपनी किसी बेबसी का हवाला देकर बोले कि मैं पानी नहीं बरसा सकता, अभी मैं यहाँ पानी बरसाने में असमर्थ हूँ किसी कारणवश। अब हो सकता है इसके पीछे कारण जो भी रहा हो, हो सकता हो कि देवराज इंद्र उन पांडवों की परीक्षा लेना चाहते हों, जो कुछ भी रहा हो, लेकिन देवराज इंद्र ने अपनी पानी बरसाने से मना कर दिया। तो जब देवराज इंद्र ने पानी बरसाने से मना कर दिया तो जो थे भीम को इस बात पे क्रोध आ गया और भीम ने अपनी गदा उठाई और गदा उठाकर पहाड़ियों पे वार करने लगे, पहाड़ियों पे अपनी गदा पटकने लगे भीम जोर जोर से। और जब उन्होंने अपनी गदा पटकी तो गदा के प्रहार होने से वहाँ पहाड़ियाँ टूटी, चट्टानें टूटी और अंदर से जमीन के अंदर से पानी निकलने लगा और एक कुंड बन गया और उसी कुंड में पांचों पांडवों ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई, तभी से यह कुंड यहाँ पे उपस्थित है जिसकी गहराई आज तक कोई नाप नहीं पाया है, ना ही इस कुंड का पानी आज तक कभी सूखा है। यहाँ तक कि जब यहाँ पे सूखे पड़े तो कई बार यहाँ के आस पड़ोस के गांव में या फिर आस पड़ोसी जगहों पे जो बावड़ियाँ थी, जो तालाब थे, वो सूख गए, लेकिन फिर भी यह कुंड कभी नहीं सूखा। तो अब इसके बारे में क्या सच्चाई है कि इसका पानी का स्रोत कहाँ से है, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि समुद्र से इसका स्रोत है। तो अब इसके बारे में सच्चाई आज तक पता चल भी नहीं पाई है, वैज्ञानिकों ने भी यहाँ पे घुटने टेक दिए हैं। तो ये थी जानकारी रहस्यमय कुंड भीम कुंड के बारे में। जय श्री महाकाल।